के माहौल तो एक नई यूनियन आई है, एक नए प्लेटफॉर्म मिला है। सारे ही जो लीडर्स हैं वो अपने अपने तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये कहीं ना कहीं आज लॉबीज़म की हार हुई है और एक पूरे पूरे कैंपस ने एक जनरल स्टूडेंट को चूज़ किया है जो कि मैं हूँ, और इंशाल्लाह मैं उनको मायूस नहीं करूँगा। छात्रों के लिए किस तरीके की योजनाएं रहेंगी आपकी? छात्रों के लिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो उनके जनरल इश्यूज़ हैं उस पर काम किया जाएगा, उनकी सफरिंग्स को कम किया जाएगा, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है माइनॉरिटी कैरेक्टर का, तो उस पर बात की जाएगी और जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसको परसू किया जाएगा। जिस तरीके से एएमयू के कुछ चुनिंदा लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ क्या करेंगे? नहीं, उनके खिलाफ़ हम ये काम करेंगे, पहले तो हम बात करेंगे ना, वो जो लोग बदनाम कर रहे हैं वो कहाँ से हैं, क्या है, सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम कोई भी, हमारा कभी ऐसा नहीं रहा कि हम एब्रप्ट रिएक्शन करें, हम पहले देखते हैं वो चाहते क्या हैं, उसके बाद हम लोग सब यूनाइट होकर काम करते हैं। एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, यूनियन का प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह आज, तो हम सब लोग बात करेंगे, जो भी चीज़ उन पर डायलॉग करेंगे, नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लगता है कि भाजपा को विकास कार्य करने चाहिए, राम मंदिर के मुद्दे पे नाम बोल रहे हैं? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, देखिए मंदिर और मस्जिद की राजनीति तो मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेवलपमेंट, जब तक कंट्री डेवलप नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा। मंदिर मस्जिद पे तो मुझे लगता नहीं कि कहीं ना कहीं मुसलमान और हिंदू दोनों साथ में रहना चाहते हैं। आइडियोलॉजी की लड़ाई है हमारे कैंपस की, अगर हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम सब ने मुझे वोट कास्ट किया है, और हम लोग सभी एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और सर सैयद का एग्जाम्पल दागे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस दुल्हन की तरह है जिसकी एक आँख हिंदू है एक आँख मुस्लिम है। हमारा हमेशा यही नारा रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की हमेशा बात करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि यहाँ से मैसेज जाना चाहिए पीस का। हम मतलब कम्युनिज्म क्रिएट नहीं करते, हम